राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को बताया गंभीर, इसके प्रभावों से निपटने के लिए जंगलों की संभाल पर दिया जोर। प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया विभाजनकारी, कहा लोग कांग्रेस की सोच को देंगे नकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ में आयोजित विजय संकल्प रैली में की शिरकत, कहा लोकतंत्र के महापर्व में मतदान कर मजबूत सरकार चुनने में करें सहयोग। और प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश जारी, भिवानी जिला प्रशासन वीरांगनाओं को घर घर जाकर देगा मतदान के लिए निमंत्रण। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि इसके प्रभावों से निपटने के लिए जंगलों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारतीय वन सेवा प्रोबेशन अधिकारियों के डिग्री वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मनुष्य जाति जानबूझकर जंगलों के महत्व को भूलने की गलती कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य पृथ्वी के इन बहुमूल्य संसाधनों का मालिक नहीं बल्कि संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, जंगलों के महत्व को जानबूझकर भुलाने की गलती मानव समाज कर रही है। हम ये भूलते जा रहे हैं कि वन हमारे लिए जीवन दाता है। आपके पास जंगलों के संरक्षण, संवर्धन एवं पोषण की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस अप्रतिम दायित्व के प्रति सजग और सचेत होंगे एवं पूर्ण निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति ने प्रोबेशन अधिकारियों को जंगलों के संरक्षण और पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठाने के लिए प्रेरित किया और आश्वासन दिया कि वे इस जिम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभाएंगे। इनमें सबसे ज्यादा भूटान के 2 प्रोबेशन अधिकारी शामिल हैं और वर्तमान बैच में 15 अधिकारी मध्य प्रदेश से हैं। फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री के दिए बयान को उचित ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को जातियों में बांटने वाला है, कांग्रेस अल्पसंख्यकों को बांटना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि देश के लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो को सिरे से नकार देंगे। उन्होंने कांग्रेस की सोच को विभाजनकारी बताते हुए कहा, तंज कसा कि कांग्रेस को डर है कि अगर टिकट बांट दी तो कहीं उनके प्रत्याशी टिकट लेकर ही न भाग जाएं। हालातों को देखते हुए कांग्रेस चुनावों से डरी हुई है। कांग्रेस में बहुत छटपटाहट है, बहुत परेशानी है, क्योंकि कांग्रेस अब परिवारवादी, तुष्टिकरणवादी सोच के साथ साथ अब माओवादी सोच के लिए उस सोच को आगे बढ़ा रही, मतलब एक देश को बांटने का हिस्सा कांग्रेस इस घोषणा पत्र से चल रही है। और मोदी का एजेंडा विकास का एजेंडा है। आज देश के लोगों को विकास चाहिए और मोदी जी ने 2014 में इस देश में विकास का एजेंडा तय कर दिया है। अब ये देश माओवादी सोच पर नहीं चलने वाला, ये विकास के एजेंडे पर चलने वाला है। और मैं समझता हूँ जो इनका ये हिडन एजेंडा इनके घोषणा पत्र में है, देश की जनता इसको समझ गई है और इसको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा और इनको इसका भुगतान भी चुनाव में करना पड़ेगा। अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशंका जाहिर की है कि कांग्रेस आज देश को जाति, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और आरक्षण के नाम पर बांट रही है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को ही क्यों शक्तिशाली बनाया जाए, कांग्रेस देश के हर नागरिक को शक्तिशाली बनाए जाने की बात क्यों नहीं करती है। सभी नागरिकों को रोजगार, कौशल विकास किया जाना चाहिए। तीसरी बात, कांग्रेस मैनिफेस्टो में एससी, एसटी व ओबीसी की सीमा 50-90% किए जाने की बात कही है। यह देश के हित में नहीं है, देश को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी द्वारा की जा रही है।
सिर्फ बात करना, सिर्फ बात करना और एक मैनिफेस्टो के अंदर अपना टारगेट करना। मैनिफेस्टो हमारा ये कि हमने ये करना है, ये अलग बात है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सारे कोई राष्ट्र विरोधी हैं या सारे ऐसा नहीं है। जो राष्ट्र के पक्षधर लोग हैं, जो देश के देशभक्त मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में देश के अंदर हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद के नाम पर ये बहुत खतरनाक है। महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनाव के इस महापर्व में मतदाताओं को इस देश के भाग्य का फैसला करना है। देश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार ने युवाओं का सम्मान बढ़ाया, उन्हें बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है। कोरोना काल में भाजपा सरकार ने सभी का ख्याल रखा, जबकि घमंडिया गठबंधन ने कोरोना वैक्सीन का दुष्प्रचार किया। कि 25 मई को वोटिंग होगा, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी जो 400 सीटें हैं हमारी हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें उनको पहुंचा करके तीसरी बार भाइयों प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा की जनता करे। भाइयों मुझे खुशी है कि आज जो काम पिछले 10 वर्षों में ये हमारी सरकार ने किए हैं, जो लोगों के जीवन को सरल करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नामांकन भरवाने से पहले हरियाणा की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस बार देश में भाजपा 400 से भी अधिक सीटें जीतेगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि इस बार फिर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतकर मजबूत सरकार बनाएगी। सरकार अपने खर्चे के ऊपर 300 रुपए तौर तरीके पर, ताकि किसी मरीज का पैसा ना लगे। नायब सैनी हरियाणा का ऐसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जैसे जापवाड़ी के बूंद असर कर रहे हैं ना, ऐसे नायब सैनी की सरकार दर्राक करके चलेगी। मैं सारी सरकारी को प्रणाम करते हुए आज इतनी बड़ी संख्या में माता बहने आई हैं, धूप में खड़े हैं, टेंट के नीचे खड़े हैं, ये सब लोग उनका सर झुका के अभिनंदन करता हूं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राविंदरजीत सिंह ने आज अपने बावल क्षेत्र के दौरे पर कस्बा कुंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास के साथ इस क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए फिर से लोगों को पीएम मोदी के हाथ मजबूत करने होंगे। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यही शक्ति भारत को विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति बनने में सहयोग करेगी। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर यहां बनेगा, जिससे रोजगार के द्वार खुलेंगे। इस दौरान विभिन्न गांवों के सरपंचों ने राव को पगड़ी व माला पहनाकर सम्मानित किया। अभीगा के भी वो सारे गांव वाले हमारे को यहां समर्थन दे रहे हैं, और ये समर्थन मेरे को नहीं, मेरी पार्टी को मिल रहा है, मेरे प्रधानमंत्री को मिल रहा है। हम ये लोगों से कह रहे हैं कि 10 साल मोदी सरकार के अनेक और सरकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेवलपमेंट भी हुई है, देश की साख भी बढ़ी है। आज के दिन 5 साल मोदी सरकार को और चाहिए, ताकि जो काम अधूरे रह गए वो पूरे हों, और जो संकल्प लिया है कि हम जब 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे तो भारत एक विकसित देश बन जाएगा, उसकी नींव जो पिछले 10 साल के अंदर रखी गई है, शुरुआत की गई है, आने वाले 5 साल के अंदर उसको और सुदृढ़ बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि लोग 36 बिरादरी के आज के दिन महसूस करते हैं कि मोदी सरकार फिर से बनेगी, मोदी सरकार देश के लिए उपयुक्त है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने यमुनानगर पहुंचकर कांग्रेस नेता निलय सैनी के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर रोज नई नई बातें करते हैं, वह समाज को बांटने की बात करते हैं। यह देश शांति व भाईचारे वाला देश है। भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार 370 पार के दावे पहले चरण के चुनाव में ही ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। भाजपा की स्थिति इतनी खराब है कि 6 उम्मीदवार उन्होंने ऐसे घोषित किए हैं जो पहले कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नए मुख्यमंत्री को कोई स्वीकार नहीं रहा। प्रदेश में न शासन है न प्रशासन है। कम से कम 6 इनके उम्मीदवार ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे, दूसरी पार्टी से ले लेकर इन्होंने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। इनका अपना घर देख लीजिए, अपनी कमजोरी इन्होंने खुद हमारे सामने रख दी है। जिस तरह से मुख्यमंत्री बदला, आज के दिन भी ना नए मुख्यमंत्री को ये मुख्यमंत्री मान रहे हैं, पुराने मुख्यमंत्री अपनी जगह खो चुके हैं। और प्रदेश में ऐसे लगता है कि ना शासन है ना प्रशासन, हर तरह से लोगों को इन्होंने लेट डाउन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को न्याय दिए जाने की बात की गई है, जबकि भाजपा का घोषणा पत्र मात्र जुमलेबाजी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता रोजगार और महंगाई मुद्दों पर कोई बात नहीं करते, उन्हें देश व प्रदेश को 10 वर्ष का हिसाब देना चाहिए। इनके पास केवल और केवल लोगों को बांटने का फॉर्मूला है जो चलेगा नहीं। ये देश इसको नकार चुका है और आगे आने वाले समय में आप फिर देखेंगे सकारात्मक बात क्यों नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ना केवल लोगों को जोड़ने की लेकिन सामाजिक न्याय की बात की, हर तरह से हर वर्ग को न्याय देने की बात की। तो इनकी तो खोखली बातें हैं, खोखली गारंटी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो की एक गारंटी जरूर देश मान रहा है और वो है कि ये एक बार फिर जुमलेबाजी की गारंटी है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने आज रोहतक में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है, जो बेहद खतरनाक है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में यह तय किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण होगा तो दलित आदिवासी भाइयों के नाम पर होगा, लेकिन वोट बैंक के चलते कांग्रेस ने इन महापुरुषों की परवाह नहीं की। कांग्रेस ने अपने इरादे खुलकर जता दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश में किए जा रहे विकास से कांग्रेस लगातार हार का मुंह देख रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो उसका असर देशवासियों की मेहनत की कमाई पर पड़ेगा। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण को धर्म के आधार पर बांटने का कुचक्र चला रही है। कांग्रेस हमारे मूलभूत स्वभाव पर कड़ा प्रहार करने का मंसूबा बना रही है। अब उसकी नजर संपत्ति को लूटने और बच्चों को हक को खत्म करने पर है। कि देश में कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है, उनके पास कोई जनाधार नहीं है। केवल मात्र एक ही एक तरीका है कि जो अपने भोले भाले माइनॉरिटीज के जो लोग हैं उनको तुष्टीकरण के माध्यम से हम दोबारा कोई अपनी ज़मीन तैयार करें। फर्क कितना ही है कांग्रेस में और बीजेपी में, हम देश के अंदर APJ अब्दुल कलाम चाहते हैं और वो देश के अंदर औरंगजेब चाहते हैं। अब देश की जनता को फैसला करना है कि हमें APJ अब्दुल कलामों को देश में वरिष्ठता देनी है या औरंगजेबों को देश में वरिष्ठता देनी है। हरियाणा में भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी व राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हमारी पार्टी देश के विकास, आर्थिक स्थिति मजबूत करने और लोगों के कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने एजेंडे तुष्टीकरण के मुद्दे पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को नई तकनीक से जोड़ना चाहते हैं ताकि तकनीकों के माध्यम से देश को शिखर तक ले जाया जा सके। इसके उलट कांग्रेस जनकल्याण के मुद्दे से भटक कर तुष्टीकरण के मार्ग पर देश की जनता का ध्यान केंद्रित कर रही है। युवाओं को नई तकनीक के साथ जोड़ा जाए, इस बात का प्रयास उनका रहता है। और मैं समझता हूं कि जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना दुनिया के अंदर फैली तो एक नई तकनीक उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी। वो पहले से थी लेकिन जनता उसका उपयोग नहीं करती थी। आज हम
वर्चुअल बैठकें कितनी करते हैं, काम कितना आसान हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का फोकस केवल इन्हीं बातों के ऊपर है, युवाओं को भटकाने के लिए नहीं है, किसी को अटकाने के लिए नहीं है, उनको ठीक दिशा देने के लिए और नई तकनीक के साथ जोड़ करके, जो दुनिया आज इतनी बड़ी होते हुए भी आपस में इतने मजबूती के साथ जुड़ी है नई तकनीक के माध्यम से, केवल उसको जोड़ करके उसके माध्यम से खुद का ज्ञानवर्धन करना और उसका उपयोग देश की तरक्की में और स्वयं की तरक्की के अंदर करना, इतना उनका मकसद रहता है। हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से अब शहीद वीरांगनाओं को आमंत्रण पत्र देने का निर्णय लिया गया है। तो शाम के एसडीएम मनोज दलाल ने गांव संडवा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जाकर शहीद वीरांगनाओं को आमंत्रण पत्र देकर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोग घरों से निकले। स्वीप टीम भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण, मतदाता तुम्हें बुलाने को, 25 मई को भूल न जाना वोट डालने आने को। आमंत्रण पत्र जारी किया है। इस बारे में एसडीएम ने कहा कि भारत की संस्कृति रही है कि कोई भी शुभ काम करने के समय लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि मतदान के लिए आमंत्रण पत्र शादी के कार्ड जैसा बनवाया है, इसमें मतदान का दिन, समय और स्थान आदि की जानकारी दी गई है। अलग अलग चरणों में जब जब किसी भी क्षेत्र में मतदान हो तो अवश्य जाइएगा। अपनी पहली प्राथमिकता ये है कि वो मतदान करें। और दूसरा ये है कि हम स्थानीय तौर के ऊपर लगभग महीने भर से हमारी स्वीप टीम ने अलग अलग थीम पे अलग अलग रचनात्मक तरीकों से मतदाताओं से अपील करी है, जिससे लोगों तक उनकी बात बहुत सार्थक और प्रभावशाली तरीके से पहुँची है। और उसी कड़ी में आज हम संडवा में पहुँचे हैं। अपने विद्यार्थियों से भी बात करी है और उनसे भी अनुरोध किया है कि वो अपने माता पिता को इस बात के लिए प्रेरित करें, अपने आस पड़ोस में इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो मतदान पहली प्राथमिकता हो उनकी उस दिन के लिए। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन की इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता आएगी। इस बार मतदान को लेकर उनमें भारी उत्साह है। जो मान सम्मान दिया ये बहुत ही काबिल तारीफ था। आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। एसडीएम साहब का इस मुहिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पूरे गांव को मतदान में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। स्टूडेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की और स्टूडेंट को बताया कि उनको अपने माता पिता को भी जागरूक करना, आस पड़ोसी को जागरूक करना है। और इसके साथ ही उन्होंने गाँव संडवा में जो शहीदों की वीरांगनाएं हैं उनको विशेष रूप से निमंत्रण पत्र देकर मतदान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह जिले के नाथुवास गांव की 103 वर्षीय बुजुर्ग हरदेई देवी मतदाताओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। वह भले ही उम्र का शतक पार कर चुके हैं लेकिन मतदान का जज्बा अभी भी बरकरार है। वे लोकतंत्र के महापर्व में हर बार भाग लेती आ रही हैं। अब वे युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगी जो देश के विकास की दिशा में कार्य करे। स्वतंत्र भारत में 1952 में हुए पहले चुनाव में भी उन्होंने मतदान किया था। वोट के रूप में देश के प्रत्येक नागरिक को अपना मत रखने की महाशक्ति मिली है। इस महाशक्ति का इस्तेमाल कर ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चाहिए जो देश की तरक्की के लिए कार्य करे। स्वास्थ्य व उड्डयन मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कल जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को जाति व वर्ग में बांटने का काम किया। दूसरी तरफ भाजपा के घोषणा पत्र में हर वर्ग के उत्थान का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज अब मंदिरों में भी जा रहे हैं और घोषणा पत्र के माध्यम से चुटकियों में गरीबी दूर करने का दावा भी कर रहे हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि यह घोषणा पत्र जनता से लिए गए सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखना सभी का अधिकार है। भाजपा उम्मीदवार अपनी बात रखने के लिए गांव में जा रहे हैं और गांव वाले अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन विरोध लोकतांत्रिक व शांतिपूर्वक होना चाहिए। मैनिफेस्टो गरीबों का है, इसमें सभी वर्ग, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे युवा हैं, चाहे देश के गौरव की बात करें, देश के स्वाभिमान की बात करें, सभी बातें इसमें सम्मिलित हैं। कांग्रेस ने अनेक वर्षों देश में राज किया, अब बाबा राहुल जी भारत को जोड़ने की बात करते हैं,
तो उनके पूर्वजों ने देश को तोड़ने का काम किया, देश की आजादी के समय भी पाकिस्तान बनाया, पश्चिमी पाकिस्तान बनवाया, पूर्वी पाकिस्तान बनवाया, धारा 370 लगाई, और आज हम कहते हैं कि भारत को जोड़ने की बात करेंगे। आज कौन से भारत को जोड़ने की बात करेंगे, समझ में नहीं आता। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इसका उद्देश्य मलेरिया के विषय में जागरूकता बढ़ाना, जिससे देश को मलेरिया मुक्त किया जा सके। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है, उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। इस संक्रमित मच्छर के काटने से पैरासाइट व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परिजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परिजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रभाव में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचकर परिजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परिजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रभाव में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने से 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। मलेरिया को कंट्रोल करना और मलेरिया को इरेडिकेट करना है, इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक को कम्युनिटी के अंदर हमारा खुद का पार्टिसिपेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया के आम तौर पे जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि 2 से 3 घंटे तक रहता है। बुखार आमतौर पर पसीने के साथ उतर जाता है। यूजली फीवर एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आता है, कई बार तीसरे दिन, कई बार चौथे दिन भी फीवर आता है। तेज बुखार होता है, ये आमतौर पे मलेरिया की तरह मलेरिया का ही होता है, जो कि 2 से 3 घंटे रहता है और पसीने के साथ उतरता है। इसमें इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना मलेरिया के लिए टेस्ट करवा के मलेरिया के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन से कंप्लीट क्योर है वो करना चाहिए। कुछ वेरिएंट मलेरिया के होते हैं जो कि आपके ब्रेन को या किडनी को और कई बार दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिम्टम्स मिलते हैं और कई बार यहाँ तक के घातक भी हो सकता है मरीज के। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 12 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसमें केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 और मणिपुर, त्रिपुरा तथा जम्मू और कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर दूसरे चरण में होने वाला मतदान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण तीसरे चरण में होगा। इस चरण में कुल 198 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। बाहरी मणिपुर लोकसभा सीट के शेष भाग के लिए भी मतदान इसी चरण में होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल के जैन आराधना मंदिर में पहुंचे और यहां भगवान महावीर के 2550वें जन्म कल्याणक निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने जैन मंदिर में माथा टेका और मंदिर परिसर में चैरिटेबल अस्पताल का भी दौरा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन संतों ने समाज को हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाया, हमें भी उनके दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान महावीर जी समाज को एक दिशा देने का कार्य करते थे, उन्हीं की सोच पर आगे बढ़ते हुए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता दिल्ली से हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर के संदेशों को सामने रखकर सरकार काम कर रही है। 2014 से पहले भारत विश्व में 11वें स्थान पर था, जबकि आज 5वें नंबर पर मजबूती से खड़ा है। यह दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। सेवा लोगों की यहाँ पर की जाती है और इस पवित्र स्थल के ऊपर आकर के मन को भी एक शांति मिलती है। तो आज यहाँ पर जैन संत मुनियों का आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद में लेने के लिए यहाँ पर आया था। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग, वो नरेंद्र मोदी जी को मिले, कमल का फूल यहाँ से खिले, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, लोगों को जो लाभ डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचा है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है, बेटियों के लिए जिस प्रकार से एक मिशन मोड में आकर के मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोला है, इसका बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश की बेटियों को मिल रहा है। वहीं जैन मुनि राष्ट्र संत पीयूष मुनि महाराज ने कहा कि भगवान महावीर ने समाज को आत्मवाद, अहिंसावाद, अनेकांतवाद,
अपरिग्रह और कर्मवाद जैसे सिद्धांत दुनिया को दिए। इन्हें जीवन में उतारकर समूचे संसार के लिए शांति सुनिश्चित की जा सकती है। भगवान महावीर केवल जैन समाज के नहीं थे बल्कि सर्व समाज के लिए उपयोगी और कल्याणकारी हैं। और उपयोगी नहीं है, ये जन समाज के लिए उपयोगी और आवश्यक सिद्धांत हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान महावीर के सिद्धांतों का अनुपालन कर सकता है और जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेगा वह स्वयं भी सुख और शांति प्राप्त करेगा, समाज के लिए भी सुखमय जीवन की स्थापना करने में अपना योगदान दे सकेगा। सिर्फ महापुरुषों का गुणानुवाद करने से काम चलने वाला नहीं है, जरूरत है कि हम उनकी शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट करें, अपने आचरण में उतारें, तभी उनकी जन्म जयंती मनाना उपयोगी और सार्थक हो। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इस उपलक्ष्य में हिसार के नागरिक अस्पताल के मलेरिया विभाग द्वारा IDDAV स्कूल में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने बताया कि विश्व मलेरिया दिवस विभाग के स्वास्थ्य कर्मियों व स्कूल के बच्चों के साथ मनाया है। उन्होंने बताया कि आज स्कूल में मलेरिया दिवस की थीम के ऊपर पोस्टर मेकिंग व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमने इनके साथ कॉम्पिटिशन में इनको मलेरिया डे का थीम देके और इनसे हमने पोस्टर प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता यहाँ अरेंज कराई, तो करीब करीब 50 बच्चों ने यहाँ पोस्टर्स बनाए हैं। उसमें से हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कुछ सांत्वना पुरस्कार दिए हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ अच्छे हैं, नॉलेजेबल हैं, उनको हमारी और हमारी टीम ने अच्छे से हर चीज़ के बारे में, मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में, लक्षण, बचाव के तरीके, कैसे ड्राई डे मनाना है रविवार को। स्वास्थ्य कर्मी नूर मोहम्मद ने कहा कि मलेरिया से बचाव के लिए घरों के आसपास पानी को न खड़ा होने दें, घर की छतों को साफ सुथरा रखें। उन्होंने कहा कि पानी की टंकियों को ढककर रखें। मलेरिया से बचाव के लिए छोटे बच्चों को पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं। मलेरिया से बचाव के लिए सबसे पहले तो हमें अपने घर के आसपास कहीं भी पानी खड़ा ना होने दें और घर में जहाँ कहीं भी पानी खड़ा है उसको साफ करें। हमारी जो छतें हैं उन पे जो कबाड़ की जो वस्तुएं हैं जैसे टायर हैं या कोई मटका है, टूटे फूटे बर्तन हैं, उनको हटा दें या उनको ढक दें। जो टंकियां हैं बिना ढक्कन की उनको ढक कर रखें। घर में जो जाली वाले दरवाजे लगा के रखें। बच्चों को शाम को पूरी बाजू के स्लीव्स के कपड़े पहना के ही पार्क में जाने दें। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने बताया कि आज उन्हें मलेरिया विभाग के स्वास्थ्य अधिकारियों से यह जानने का अवसर मिला कि हम किस तरह मलेरिया के मच्छर से खुद का बचाव कर सकते हैं। कूलर होता है उसे हमें हर संडे को स्क्रब करना चाहिए ताकि जो उसके अंदर स्टैग्नेंट वाटर है उसके अंदर मॉस्किटोज ब्रीड ना कर सके। और जो होता है जो भी टायर्स वगैरह में स्टैग्नेंट वाटर इकट्ठा होता है उसे फेंक देना चाहिए क्योंकि मॉस्किटोज की ब्रीडिंग की वजह से जब मॉस्किटोज पैदा होते हैं तो वो हमें काटते हैं, उसके बाद फिर मलेरिया फैलता है। हमें मलेरिया को प्रिवेंट कैसे करना चाहिए? हमें किसी भी जगह वाटर को स्टे नहीं रखना चाहिए। हमें कूलर को हर सैटरडे और संडे स्क्रब करना चाहिए, उसमें पानी बदलते रहना चाहिए और हमें फुल स्लीव क्लॉथ वेयर करना चाहिए। गुरुग्राम जिले में आगामी 25 मई को लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष ईवीएम का गुरुग्राम लोकसभा के तहत जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रवार रेंडमाइजेशन किया गया। टीसी निशांत कुमार यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा आम चुनाव के तहत जिला की चारों विधानसभा में कुल 1270 बूथ हैं, जिसके प्रथम चरण का आज ईसीआई की वेबसाइट पर रेंडमाइजेशन किया गया है। उन्होंने ईवीएम की रेंडमाइजेशन की जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में रेंडमाइजेशन के तहत ईवीएम की तीनों यूनिट जिनमें बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट व वीवीपैट का चारों विधानसभा क्षेत्र जिसमें सोहना के लिए 244, पटौदी के लिए 247, गुरुग्राम के लिए 351 व बादशाहपुर के लिए 428 ईवीएम यूनिट्स का चिन्हीकरण कर लिया गया है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने उपरांत राजनीतिक दलों की मौजूदगी में ईवीएम का बूथवार चिन्हीकरण करने के लिए रेंडमाइजेशन का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। डीसी ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिन बूथों पर मतदाता की संख्या 1500 के करीब है या उससे अधिक है उनको चिन्हित कर वहां 63 नए बूथ बनाने का प्रस्ताव मंजूरी के लिए चुनाव आयोग को भेजा गया है।
आयोग से मंजूरी मिलने के उपरांत इन 63 बूथों का रैंडमाइजेशन अलग से किया जाएगा। बैठक में प्रथम रैंडमाइजेशन के बाद सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी विधानसभा की एक एक प्रति भी उपलब्ध कराई गई। वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन देश के सीईओ जेमी डिमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक विकास को खूब सराहा है। इकोनॉमिक क्लब ऑफ न्यूयॉर्क के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेमी डिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अविश्वसनीय काम किया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने भारत में सुधारों को आगे बढ़ाकर और समावेशी कार्यक्रम के जरिए 40 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। 100 million people out of poverty. When we go lecture Modi about, you know, when we they want trade with us, you know, but we lecture literally, you know, I go to these countries soon after a lot of our government officials there. It's like we're fantasizing about. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।